महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर ने एनसीपी की घड़ी के वक्त को ही बदल दिया। पार्टी प्रमुख शरद पवार जिस एकजुटता को लेकर मुतमईन थे, उसे अजीत पवार ने चकनाचूर कर दिया। लेकिन चाचा शरद भी पावर पॉलिटिक्स करना अच्छे से जानते हैं, इसलिए एक तरफ उन्होंने कार्रवाई की तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेताओं ने मनाने की कवायद शुरू कर दी, ताकि परिवार और पार्टी एक हो और बीजेपी सत्ता से बेदखल हो। महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा भतीजे की जोड़ी ने अच्छे अच्छों को सबक सिखाया। शरद पवार और अजीत पवार ने अपनी पावर से विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रथ पर ब्रेक लगाया, लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि भतीजा ही चाचा से विश्वासघात कर बैठा। इस घात से शरद पवार इस कदर आहत हुए कि उन्होंने अजीत पवार को विधायक दल के नेता के पद से ही हटा दिया। एनसीपी की बैठक में शरद पवार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि हम अजीत पवार के फैसले से सहमत नहीं है, इसलिए उन्हें विधायक दल के नेता के पद से हटाया जाता है। उनकी जगह ये सारी जिम्मेदारियां जयंत पाटिल को दी गई हैं। इस कार्रवाई के बाद अजीत पवार इस कदर बौखलाए कि नई नई साथी बनी बीजेपी के साथ वकीलों की शरण में पहुंच गए, लेकिन एनसीपी ने अब भी उनके लिए अपने द्वार खोले रखे हैं। तभी तो शरद पवार की कार्रवाई के बाद पार्टी के नेता अब भी उन्हें मनाने में जुटे हैं, ताकि पार्टी और परिवार एक रहे। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच एनसीपी विधायक दल के नेता जयंत पाटिल ने दावा किया है कि वो अजीत पवार से मुलाकात करके उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि पवार परिवार की कोशिश है कि किसी भी तरह से अजीत पवार को मनाया जाए और उन्हें एनसीपी खेमे में वापस बुलाया जाए। शरद पवार और सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के भाई श्रीनिवास से बात की है। अब बातचीत का दौर जारी है, नेताओं में मंथन जारी है, लेकिन क्या वाकई इस बात से बात बनेगी या नहीं, क्या अजीत पवार बीजेपी को छोड़ फिर पवार के साथ पॉलिटिक्स करेंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए सत्ता बचाना बेहद मुश्किल होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।